विवेक आनंद ओबेरॉय एक भारतीय अभिनेता हैं। जी हाँ, इनके नाम से सभी भली भांति परिचित हैं। अभिनेता सुरेश ओबेरॉय के बेटे, जिन्होंने 2002 में अपनी हिंदी अपराध फिल्म कंपनी और रोमांटिक ड्रामा साथिया में मुख्य भूमिका निभाई थी और अभिनय करना शुरू किया था। इन फिल्मों में उनके अभिनय की प्रशंसा की गई और उन्होंने पूर्व के लिए 2 फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीते थे। इसके बाद उन्हें कॉमेडी फिल्म जैसे मस्ती, हॉरर फिल्म काल और एक्शन फिल्म शूट आउट एट लोखंडवाला में रुक रुक कर व्यावसायिक सफलता भी मिली है, जबकि ड्रामा में ओमकारा और कुर्बान में उनके सहायक अभिनय की बहुत प्रशंसा की गई है। आपको बता दें कि विवेक ओबेरॉय ने प्रियंका अलवा से 29 अक्टूबर 2010 में शादी की थी। जी हाँ, प्रियंका से पहले उनकी ज़िंदगी में कितनी भी गर्लफ्रेंड रही हैं, उनके साथ विवेक का रिश्ता बहुत अच्छा था। ये बातें विवेक के हालिया इंटरव्यू में बताई गई हैं। विवेक ने ये भी कहा है कि उन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में सीरियस रिश्ते बहुत कम रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरे बहुत कम सीरियस रिलेशनशिप रहे। विवेक ओबेरॉय ने इंडिया टीवी के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में खुलकर बातचीत की थी। उन्होंने कहा, मेरे बहुत कम सीरियस रिलेशनशिप रहे हैं, मैं हमेशा से बहुत स्पष्ट था और मुझे किसी भी सीरियस रिश्ते में नहीं पड़ना। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि मेरी बचपन की गर्लफ्रेंड की कैंसर से मौत हो गई थी। इसके अलावा कॉलेज के वक्त से ही मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया था, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा था, तो मेरे पास वक्त भी नहीं था। वहीं विवेक ने आगे कहा, मैं नहीं चाहता था कि अब मेरा दिल और टूटे, तो मैंने विचार किया कि अब मैं किसी रिश्ते में ज़्यादा सीरियस नहीं होऊंगा। कई लड़कियों को तो मैं गर्लफ्रेंड भी नहीं गिनता था, लेकिन ये बात ज़रूर है कि मैंने जब भी प्यार किया तो पूरे दिल से किया और कभी किसी को धोखा नहीं दिया। कुछ रिश्तों ने उठा दिया था उनके प्यार से विश्वास। जी हाँ, अनस बुखाश को दिए गए एक इंटरव्यू में भी विवेक ओबेरॉय ने अपनी लव लाइफ के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि कुछ रिश्तों ने मुझे इस तरह तोड़ दिया था कि मेरा रोमांस और प्यार से पूरा विश्वास उठ गया था। मैं शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा कि एक बार प्रियंका से मिल लो, अगर पसंद नहीं आई तो मैं मना कर देना, फिर मैं उन्हें तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूँगी कि किसी और से मिलो। वहीं मीम के जरिए ऐश्वर्या रॉय बच्चन पर कसा था तंज। जी हाँ, आपको बता दें कि विवेक ओबेरॉय अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। उन्होंने 2019 में ऐश्वर्या रॉय बच्चन को लेकर सोशल मीडिया पर एक मीम शेयर किया था, जिसमें 3 फोटो एक साथ जोड़ी गई थी। पहले फोटो में सलमान खान और ऐश्वर्या रॉय बच्चन नजर आ रहे थे, दूसरे में ऐश्वर्या और विवेक ओबेरॉय थे, जबकि तीसरे फोटो में ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या और पति अभिषेक बच्चन के साथ थी। तस्वीर पर ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल और रिजल्ट लिखा गया था। विवेक ने कैप्शन में लिखा था, हा हा, रचनात्मक है, कोई राजनीतिक खेल नहीं रहा, यही जीवन है। विवेक को इस पोस्ट के लिए सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया। इसके बाद उन्होंने अपने ट्वीट के लिए माफी भी मांगी थी। विवेक ने लिखा, अगर किसी भी महिला को मेरी वजह से दुख पहुंचा है तो मैं माफी मांगता हूं और अपना ट्वीट हटाता हूं। वहीं विवेक ओबेरॉय ने फराह खान के चैट शो में ऐश्वर्या रॉय पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि उसने कभी भी मुझे थैंक यू नहीं कहा, मुझे इमेच्योर कह दिया, उसने मुझसे कहा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं विवेक ने आगे कहा था, प्लास्टिक कंपनियों के पास जितना प्लास्टिक है उससे ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री में है, प्लास्टिक स्माइल, प्लास्टिक का दिल, सब यहाँ पर है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और तमाम बॉलीवुड से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।